ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ को हटाए जाने की मांग बहुत तेजी से उठने लगी है, जिसको लेकर कई दिग्गज खिलाड़ी भी अपनी अपनी राय दे चुके हैं। कई दिग्गजों ने रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का कप्तान बनाए जाने की बात तक कह दी। वहीं अब इस कड़ी में टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने दो खिलाड़ियों के नाम बताए हैं जो रोहित शर्मा की जगह टीम इंडिया की कप्तानी कर सकते हैं। गौतम गंभीर ने एक कार्यक्रम में भारतीय टीम के कप्तान को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए हार्दिक पांड्या और पृथ्वी शॉ को कप्तानी का दावेदार बताया। गंभीर के पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया के कप्तान बनाए जाने को लेकर हर कोई हैरान था, लेकिन उन्होंने पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया का कप्तान बनाए जाने की वजह भी बताई और हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर बड़ा बयान दिया। गौतम गंभीर ने रविवार को एक कार्यक्रम में रोहित शर्मा की कप्तानी का बचाव करते हुए कहा, हार्दिक पांड्या स्पष्ट रूप से कप्तान बनने की लाइन में है, लेकिन ये रोहित के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है केवल एक आईसीसी इवेंट में उनकी कप्तानी को आंकना शायद उनकी कप्तानी को आंकने का सही तरीका नहीं है। गौतम गंभीर के पृथ्वी शॉ को कप्तान बनाए जाने से हर कोई हैरान है। इसका जवाब देते हुए गंभीर ने कहा, वो आक्रामक और सफल कप्तान हो सकते हैं क्योंकि वो एक दमदार खिलाड़ी है, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। गंभीर ने कहा, मैंने पृथ्वी शॉ को क्यों चुना है मुझे पता है। बहुत से लोग मैदान के बाहर उनकी गतिविधियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोच और चयनकर्ताओं का काम यही है। चयनकर्ताओं का काम सिर्फ 15 को चुनना नहीं बल्कि लोगों को सही रास्ते पर लाना है। मुझे लगता है पृथ्वी शॉ एक बहुत आक्रामक कप्तान हो सकते हैं, एक बहुत सफल कप्तान भी, क्योंकि आप उस आक्रामकता को एक व्यक्ति के खेल खेलने के तरीके में देख सकते हैं।